ये है एक पत्ता जिसके अंदर फूल होते हैं, जो पहाड़ी टोपी पे लगते हैं अरे ना। यहाँ देखो, इधर और उधर। तुम छिलके क्यों निकाल रहे हो आप? मैं बाहर के तरह से छिलके निकाल देते हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 3 बजे से, और अभी मैं सोई थी, थोड़ी सी नींद आई थी, तब तक मम्मी और की आवाज़ आ गई। मम्मी के फ्रेंड आए हुए, मैं दिखाती हूँ, छुप छुप कर उनकी गप्पे चल रही है। तो मैं उठ गई और बाहर आ गई, तो देखते हैं क्या करे मम्मी और क्या गप्पे मारे। मैं अभी चलती हूँ नीचे। दोनों गप्पे मारने में बिजी है। इधर जा रहे हैं सेब वाले, ये चाचू के सेब तोड़ रहे हैं ना, तो रास्ता इधर से ही है, तो इधर से ले जा रहे हैं। पत्ता जिसके अंदर फूल होते हैं, जो पहाड़ी टोपी पे लगते हैं अरे ना, इसके अंदर दिख रहे आज होंगे। के टाइम कहाँ से दिख रहे पे हैं? ओहो, कॉमन निकाल दी मैंने। आज दो मैं तेरी कत ये बात इसके इसे अंदर जो भेज रही हूँ टोपी मैं, में जिसके अंदर लगते रहते हैं, ही ये तो वाला। भाभी को भेज रहे सिरमौर। और इसका फोटो सिरमौर में मिलता है। निकल गए मम्मी से दो चार फूल। ये जाए जा रही क्या तो अंत तक ये हम तो कुछ रहे फूल ऐसा तोड़ है, के इधर इसमें फूल है। फूल निकल गए मेरे से। इन्हें मैं तो ऑनलाइन आती हूँ। इसके अंदर डालो, अब मैंने ले लिया फोटो। गाड़ी आ रही हाँ, ये वाला फूल होते हैं बोले इसके अंदर। पीछू पीछू इशू उकनी आए लिया गुआ कुछ ऐसी है बॉडी आए थी ना ये वाला भी मत करो ना। ये टूटा, ये पोषो टू टू। हाँ भाई तूने ठीक कोई दिक्कत है नहीं है तुम्हें। ये ठीक है, ये वाला ठीक है तो तादू तो और ये हो जाएगा जिन्हें कीड़े हुए पूरा तो बंद ही पिछा सूको। आजकल इस पे बहुत सारी ककड़ी आ गई, जो पीछे मैंने दिखाई थी एक व्लॉग में, इतनी छोटी छोटी सी थी, अब इतनी बड़ी बड़ी सी होगी। यहाँ देखो, इधर और उधर बहुत सारी ककड़ी आ गई है। मम्मी देखो कैसी ककड़ी खाती है, बार बार को छिलके रहने देते। क्या फायदा आपके नकली दांत लगाने का, जो ये छिलके नहीं चबा सकते। बाहर का टेस्टी भी नहीं आई है बाहर का क्यों नहीं है टेस्टी है? ऐसे। तुम छिलके क्यों निकाल रहे हो आप? मैं बाहर के तो ऐसे छिलके निकाल देते हैं, किसी को पूछना बाहर के छिलके नहीं खाते ठीक है। मैंने अपने लिए तो घास निकाल दिया है। इधर मेरा किल्टा रेडी है, और यहाँ निकाला है मैंने कल सुबह के लिए। मम्मी उधर नीचे वाली साइड को गए घास काटने के लिए, और मम्मी अभी तक नहीं आए। मैंने इतना घास निकाल दिया, मैं अभी तक मम्मी के वेट में ही निकाल रही थी, जो मैंने सुबह के लिए निकाला। वैसे मैं निकालने वाली नहीं थी, मम्मी का वेट करते करते मैंने ये निकाल दिया। मम्मी अभी भी नहीं आए, तो मैं चलती हूँ अब ऊपर। मम्मी पता नहीं कब तक आएंगे। क्या लगा है मेरे? ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा किल्टा गिर गया। मैं अभी जैसे ही इसको उठाने लगी, तो ये टेढ़ा होकर गिर गया। अब मुझे फिर से भरना पड़ेगा ये।
बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये जब किल्टा गिरेगा। हाँ देखो पूरा गिर गया, अब मेरे को दोबारा से भरना होगा। मम्मी इधर से घास काट रहे घर के पीछे वाली दीवार से, क्योंकि यहाँ भी काफी ज्यादा घास हो गया था, शाम वगैरह आते हैं। और इस बारी हमने ना इस पे फूल लगाए थे, तो वो फूल काफी बड़े हो गए, हमने सोचा नहीं लगेंगे, तो ये काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। इधर इधर से सारे में फूल लगे हैं। और मम्मी देखो ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनी है ना, नीचे कभी भी गिर सकते हैं यहाँ से। हाय लालू, चलो अब आपका समय आ चुका है घर जाने का। और रस्सी का इसने क्या किया है भाई जी, क्या किया है आपने भाई जी ये? अब मैं खोलूँ कहाँ से इसको, पहले तो मुझे ये देखना होगा। ये रहा, पर ऐसे ऐसे अटक गया ना। चलो 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 भाई, ऐसे नहीं चलता ये। चलो मैं चलूँ पहले, जी मिस्टर को चलना नहीं आता, चल ऊपर। अब देखना स्टेयर्स पे कैसे चढ़ता है, इसको आता है? आ जा जरा, आ जा, तेरे को स्टेयर्स पे चलना आता है? कहाँ जाना है, वहां नहीं जाना है, आ जा इधर, आ जा इधर। ओहो माय गॉड, कैसे आएगा? आता है, तुझे मम्मी ने सिखाया, सिखाया तुझे मम्मी ने, आ जा ऊपर। आता है इस स्टेयर्स पे चलना। ओहो चलो चलो, परसों तक इसे चलना भी नहीं आता था। कहाँ भाग रहा, कहाँ भाग रहा? और ये दूध पी लेगा मम्मी, मुझे जान से मार देगी मम्मी मुझे। शिट शिट शिट, आ जा इधर आ बेटा, तुझे पता ही नहीं चल रहा। इसको फाइनली मैंने बंद कर दिया, और इसने मेरे कपड़ों का हाल देखो, इधर सारे में गोबर ही गोबर लगा दिया है। अगर ये दूध पी लेता ना तो इसको दस्त लग जाते, परसों भी मेरे से छूट गया था, इसने दूध पी लिया और इसको दस्त लग गए, तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि क्यों दिया ऐसे, अभी छोटा है और ये ज़्यादा दूध पी लेता है तो इसके दस्त लग जाते हैं। और आज मुझसे छूट गया, बड़ी मुश्किल से इतनी ताकत आ गई इसमें ना, ये मेरे को उल्टा ही खींच रहा था, मेरे हाथ पूरे रेड हो गए दिख रहे। इसको खींचते खींचते मतलब कुछ टाइम में, एक दो हफ्ते में तो ये खींचे भी नहीं जाएगा। अब मेरी हालत ख़राब कर दी इसने 2 मिनट के अंदर अंदर। बाकी अब मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, पहले ये गोबर ही गोबर हो गया सब कुछ। और इस वाले ब्लॉग की कर देती हूँ मैं एंडिंग, क्योंकि मैंने कल भी थोड़ा बहुत शूट किया और उसके बाद में भूल गई कि मैं ब्लॉग शूट करी थी, तो आई थिंक हो गया होगा ये 5-1 मिनट का कल का था, थोड़ा 1-2 मिनट का भी बन गया, काफ़ी है इतना। तो कर देती हूँ आज के ब्लॉग की एंडिंग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।